फ्रेंड्स, आज लास्ट डे हम लोग का, थर्ड डे का हम लोग का प्लान था, तो आज लास्ट डे है और हम लोग रेडी हो गए हैं। जीप आ चुकी है और जो बाकी बचे पॉइंट्स हैं, हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। पानी गिर रहा है बस। हाँ, आज तो बरसात भी हो रही है। मौसम तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सेक्सी मौसम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शाम की हमारी गाड़ी है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आ गए हम लोग है ना अपने पहले पॉइंट पे, पहले थर्ड डे के पहले पॉइंट में। और पानी गिर रहा था तो ये रेनकोट हम लोग ने लिया हुआ है। बहुत ही रुपीस का मिलता है ये, बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा रेनकोट है। बहुत ही अच्छा रेनकोट है, फ्री साइज है। ठीक है, तो पतले मोटे का कोई दिक्कत नहीं है। और एक अम्ब्रेला भी लिया हुआ है। तो मौसम तो बहुत प्यारा है। और जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे आपको दिखाएंगे, बहुत ही प्यारी जगह है। एक वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा। चलो चलते हैं जल्दी से, फिर दिखाते हैं। साइड पे इसका नाम है रामेपुर। पीछे से है, मैं दिखाता हूँ अभी। बहुत ही प्यारी जगह, अलग ही फील आ रहा है। बस थोड़े से ही लोग हैं यहाँ पे, ज्यादा नहीं है। और इसकी सबसे प्यारी बात ये है कि नेचुरल पेडिक्योर यहाँ पे मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं बैठने, बस शांति से बैठ जाओ, पाँव मत हिलाओ, अपने आप मछलियाँ आएंगी और सबको साफ करके चले आएंगी। तो बने रहो वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग ने रामकुंड घूम लिया है, आपको दिखा भी दिया मैंने। ज्यादा देर हम नहीं रुके हैं क्योंकि और भी जगह जाना है, शाम की ट्रेन है। बहुत प्यारी जगह है यार ये, बहुत ज्यादा प्यारी जगह है। छादों पर करो बेटा, सीन देखा आपने। अभी मैं लॉर्ड टाइम का भी एक सीन दिखाऊंगा आपको कि हम लोग कितने नीचे आए थे। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी जिप्सी के पास, दूसरे स्पॉट पे जाना है हमें। भैया बताएंगे वो कौन सा स्पॉट। तो आ गए हम लोग थर्ड डे की सेकंड लोकेशन में, जिसका नाम है रीचगढ़। देखो ये पीछे देख रहे हो आप, छतों पर करो, ये देखो ये गुफा के अंदर जाना है। इसका नाम रीचगढ़ क्यों पड़ा वो मैं अंदर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से अंदर जाना है, ये पूरी गुफा है। और अशोका मूवी की शूटिंग हुई है इस गुफा में। वो जो घोड़ा दौड़ता है ना, वो यहाँ से दौड़ के गया था। ठीक है, चलो आगे। तो चलो फिर चल। हम लोग आ गए हैं रीचगढ़ गुफा के अंदर। भाई तू बता रहा, मैं बताऊं? तू ही बता भाई, मैं तो देख रहा हूँ सब कुछ भाई। और मैं एक पहला एक्सपीरियंस है ये जिंदगी का, बारिश भी हो रही है आज, क्या जगह है यार। मैं बता रहा था केव है, गजब की केव है यार, मतलब बहुत ही प्यारी केव है। ऐसा सोचा नहीं था जो ये है एक्चुअली, वैसे फोटोज में देखा था वो भी इतने अच्छे से नहीं। तो रीचगढ़ का नाम क्यों पड़ा, उसका रीजन ये है कि ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पचमढ़ी में ब्लैक कलर के जो भालू होते हैं ना, वो पाए जाते थे। ब्लैक बियर वो यहाँ पे पाए जाते थे। तो और यहाँ पे इको पॉइंट भी है आगे निकल के, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा सुना है हमने। तो अब देखते हैं, आपको बताएंगे। तो रीचगढ़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे शूटिंग भी हुई है मूवी की, और दूसरी बात यहाँ सबसे ज्यादा भालू मिलते थे, जो कि अब तो नहीं है पर जब पहले रहा करते होंगे तो क्या ही बात होगी फिर, तो है ना। तो चलते हैं फिर आगे, बताते हैं आपको, स्टे ट्यून्ड।
फ्रेंड्स हम लोग हैं ये गुफा के अंदर, ये देखो अलग ही एक्सपीरियंस है ये मेरी लाइफ का, होपफुली अरे गिरते गिरते बच गया मैं। अभी इससे आगे जाना है और वहाँ पे इको पॉइंट है। हम लोग गुफा के अंदर हैं, ये है बड़ी गुफा, ये है बड़ी वाली गुफा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। और एक गुफा ये देखो, ये है छोटी सी, आगे जाके और पतली होती जाएगी। ये सीक्रेट रूम है, ये सीक्रेट रूम है, ये देखो ये है बड़ी वाली गुफा, जितना दिखा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ। अब हम निकल रहे हैं बाहर और जा रहे हैं इको पॉइंट। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं इको पॉइंट गुफा निकल के, और देखो अभी आपको चिल्ला के बताते हैं, आई होप ये रिकॉर्ड कर ले। बी प्रोडक्टिव। मुझे तो आ गई है, आपको आई या नहीं आई पता नहीं, बट ये इको पॉइंट है और वाकई में बहुत मजा आ रहा है। हाँ क्या व्यू है, और ये वाले पहाड़ की चट्टान, बैठो खड़े रखो, ये वाले पहाड़ की चट्टान से आए हम लोग अभी उसी की गुफा से, और काल पे खड़े हैं। और एक और बार चिल्लाएंगे, चिल्ला भाई काल पे एक और बार। बी प्रोडक्टिव। पीछे साइड से ऐसी दिखती है गुफा, और वहां से आए हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग रीचगढ़ से आ गए हैं, बारिश भी रुक चुकी है, बारिश भी रुक गई है, उतार दिया हमने अपना। और अब जो इस जगह पे आए हैं बहुत ही प्यारी जगह है, नाम ही उसका प्यारा है, लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट है ये। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई है जिसका नाम है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह हाँ, जो कि अरे यार बालों को क्या हो गया, प्लीज मेरे बालों को इग्नोर करना, जो कि चक्रव्यूह नाम है, नक्सलाइट्स जो होते हैं ना उनपे बेस्ड है, उसकी शूटिंग यहीं लवर्स पॉइंट पे हुई है। क्या जगह है यार पचमढ़ी, ये देखो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं लवर्स पॉइंट से, अब कुछ खाने यहाँ करेंगे लंच, इसके बाद हम लोग को पिपरिया के लिए निकलना है। तो आज के इतने ही पॉइंट्स थे घूमने के, पूरा पचमढ़ी घूम लिया है हमने, और अभी जाते टाइम कुछ दिखेगा तो फिर बताते हैं, आपको अपडेट करते हैं। बाकी वीडियो स्टेशन पे ख़त्म हो गया ना, स्टेशन में ख़त्म होगी, लेकिन पहले कह दे रहा हूँ लाइक कर देना और शेयर करो जितना कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ब्लैक आइकन प्रेस कर लें, बेल आइकन, इसको भूख लगी है इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर दो प्लीज, भूख लगी, थक गए हम लोग, ठीक भी गए। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे सफ़र का आज अंत हो रहा है, बुरा लग रहा है जाने में, पर ठीक है जाना तो था ही, और बस निकल रहे हैं पिपरिया के लिए। गाड़ी आ गई है, गाड़ी आ चुकी है, सामान रख दिया है, 5 बजे ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन है, 5:20 पे है। हाँ बस अब निकल ही रहे हैं सीधे पिपरिया, पिपरिया से सीधे जबलपुर। तो ये था हमारा पिपरिया का पूरा फुल टूर। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं, सपोर्ट करो, लाइक करो, हम लोग का जितनी भी हम लोग ब्लॉग डालेंगे पिपरिया के उन सबको शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो। मैं पचमढ़ी सिर्फ आप लोग के लिए आया था, तो आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।